अंडे फोड़ने पर मां ने ही मासूम बेटी को उतारा था मौत के घाट। कौशाम्बी जिले में रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना प्रकाश में आई है। एक निर्दयी मां ने महज चंद अंडों के लिए मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मां बच्चे की कातिल हो सकती है, ये बात हैरान करती है, लेकिन कातिल की दो ननद इस खौफनाक मंजर को पुलिस के सामने बयान किया, जिसके आधार पर कोखराज पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने निर्दयी मां को गिरफ्तार किया। कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव के रहने वाले राम सिंह ने 3 जुलाई को पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी 4 वर्षीय बेटी पायल की घर के सामने से खेलते समय गायब होने की सूचना दर्ज कराई। मासूम के रहस्यमय तरीके से गायब होने की सूचना मिलने के बाद कोखराज पुलिस तुरंत हरकत में आई और गांव जाकर हर संभव जगह पर तलाश की, लेकिन पायल का कहीं भी सुराग नहीं लगा। इस पर पुलिस ने गांव के सभी घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी कुछ महिलाएं और बच्चों ने छगु की छत से दिनेश के घर पर पायल की लाश होने की बात। पुलिस ने छत पर चढ़कर देखा तो अरहर की सूखी लकड़ी के नीचे पायल की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही दिनेश और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। तभी एक मुखबिर ने पीड़िता की ननद से जानकारी लेने की बात कही। पुलिस ने जब दोनों ननद रविता व अनिता से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दोनों ने बताया कि घर पर रखे अंडों को पायल ने गलती से तोड़ दिया था, जिस पर मां रेखा ने पायल को बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, पायल का सिर दीवार पर कई बार पीछे से बाल पकड़कर टकराया, जिससे पायल की मौत हो गई। मौत से घबराई रेखा ने पायल की घर के सामने से गायब होने की कहानी गढ़ी। फिर रात होने पर दिनेश की छत पर पायल का शव छिपा दिया और नरबाली की झूठी अफवाह उड़ा दी, लेकिन उसकी ननद ने खौफनाक मंजर को पुलिस के सामने बयान करने से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। SP ने टीम को पुरस्कार देने की बात कही है। यह इसका खुलासा किया गया है और इसमें हत्या किसने की थी? देखिए, थाना कोखराज में 3 तारीख को ये सूचना आई कि एक बच्ची लापता है। ये सूचना 6 बजे की थी शाम में कि बच्ची 6 बजे से लापता है, परंतु जो परिवारजन हैं ये लोग थाने पर अगले दिन 4 तारीख को सुबह में आए, लगभग 11 बजे। जैसे ही ये सूचना मिली, हमारे तत्काल सारे ऑफिसर, हमारे थाना प्रभारी, मैं स्वयं, हमारे CO साहब, सब लोग मौके पे पहुँचे। हम लोगों ने व्यापक सर्च अभियान चलाया और उसके बाद जब हम लोगों ने एक एक करके घरों की तलाशी लेनी शुरू की, तो उस दौरान एक व्यक्ति है जो घर 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, मृतका के 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, उसके छत पे डेड बॉडी मिली, अरहर की लकड़ियों में दबी हुई डेड बॉडी मिली। शुरू में लोगों को यही सस्पिशन हुआ कि वो व्यक्ति दिनेश ही है जिसने हत्या करके इस घटना को अंजाम दिया है, परंतु उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारी जो SWAT टीम है और थाने की जो टीम है, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से एक एक व्यक्ति का से पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए, उनके बयानों में जो इनकन्सिस्टेंसी थी उसके तहत ये फाइनली अनावरण घटना का हुआ कि लड़की की माँ ही इस घटना में शामिल थी, मुख्य अभियुक्ता थी। उसने इस बात से गुस्सा होकर कि उस छोटी बच्ची ने अंडे फोड़ दिए थे, उसने उसका सर दीवार में 3-4 बार लड़ाया, जिससे कि उसके सर में अंदरूनी चोट आई और वो मौके पर ही मर गई। उसके बाद अपनी जो दो ननद हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और वो उन्होंने सारी घटनाक्रम को बताया कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो महिला है, उसके बाद उसने बेड के नीचे उसकी लाश को छिपा दिया। उसी दौरान पूरे परिवार वाले जो बाकी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और वो लोग सर्च कर रहे थे, अगले दिन पुलिस भी सर्च कर रही थी। उन्होंने हमारे इस महिला ने हमारे सामने भी आके गलत बयान दिया। उसके बाद इसने मौका पाके रात्रि में जब सभी लोग खोज के आके सो गए घर में, तो इसने छत पे जाके, क्योंकि सभी के छत कनेक्टेड हैं, उसने दिनेश के छत पे जाके अरहर की लकड़ी वहाँ रखी थी, उसके नीचे उसकी बॉडी को छिपा दिया और एक पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जब पुलिस उनके घर में घुसने लगी तो ये चिल्लाना शुरू कर दिया। जब इनको लगा कि बॉडी पुलिस वहाँ से रिट्रीव कर लेगी, जब पुलिस को मिल जाएगी तो ये फंस जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि शक जो है बिल्कुल दिनेश पे जाए। परंतु दिनेश इसमें अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त इनकी जो माँ है वही है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और इस घटना का हम लोगों ने सफल अनावरण किया, जिसके लिए हम अपनी टीम को इनका प्रशंसा करते हैं और इनको पुरस्कृत किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है इसमें हम लोग कर रहे हैं। पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गांव वाले यही बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अगर किसी के घर से किसी की डेड बॉडी मिले और उसके बाद
आप जरा भी इस चीज़ को लेकर शक करें कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो गांव का भी काफ़ी लोगों ने उस पर प्रेशर किया। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस क्यों नहीं उसे जेल भेज रही है, परंतु हम लोगों ने बहुत प्रोफेशनली इसमें काम किया, सारे लोगों के साथ बातचीत करके जो सही अभियुक्त जिसने सही में घटना अनावरण किया, एक घटना का कारित किया, उसको हम लोगों ने हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं ताकि इस मामले में जस्टिस हो।